नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर देहात पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान बचाओ भागीदारी बचाओ महारैली सभा में शिरकत की। अखिलेश के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं की भीड़ अनियंत्रित हो गई। भीड़ को हटाने में सुरक्षा अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि किसी तरह सुरक्षा अधिकारियों ने भीड़ भाड़ को कड़ी मशक्कत के बाद हटाया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, इसीलिए मतदाता पुनरीक्षण अभियान भी जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। अभियान के दूसरे चरण में मऊ में प्राथमिक विद्यालय में बीएलओ ने मतदाताओं का आवेदन लिया है। वहीं बीएलओ द्वारा फॉर्म भरकर नए और युवा मतदाताओं को जोड़ा गया, साथ ही कुछ वोटर्स के नाम मतदाता सूची से काटे भी गए हैं। मतदाता पुनरीक्षण में राजनीतिक दलों के लोगों ने भी सहभागिता दर्ज कराई है। अगली खबर बहराइच से है, जहां संविधान दिवस के मौके पर दलित गौरव संवाद चौपाल लगाई गई है, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष आदर्श अग्रवाल ने की है। इस कार्यक्रम में आरती वाल्मीकि बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। वही कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के हाईकमान द्वारा दिए गए निर्देशों पर चर्चा की गई, जबकि दलित समाज के लोगों से दलित अधिकार मांग पत्र भी भरवाया गया है। ये प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा पिछले एक माह से भी ज्यादा समय हो गया, दलित गौरव संवाद के नाम से हम दलितों के बीच में जा करके और उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद से अगर दलित का उत्थान का कार्यक्रम किसी ने भी किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उनको ज़मीन से उठा करके खाट अगर दी है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जो समय के रहते रहते विभिन्न दलों द्वारा उनको जाति धर्म पूजा पाठ इसमें बाँट करके उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा, तो हम इस संवाद के जरिए एक बार पुनः दलित में उनकी आज की तारीख में मुख्य मांगे क्या हैं इसके जुड़ना चाहते हैं और इस पे नेतृत्व के जरिए, सरकार के जरिए, अपनी पार्टी के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करके उनको एक बार पुनः मुख्य धारा में लाने का काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। किसान मोर्चा ने ये मांग रखी कि कृषि से संबंधित उपकरणों को जीएसटी से बाहर रखा जाए, साथ ही खाद्य सुरक्षा की गारंटी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सर्वव्यापी बनाया जाए। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नियुक्ति की मांग कर रहे 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर प्रदर्शन किया। वहीं आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को डिप्टी सीएम ने मुलाकात के लिए बुलाया है और शिक्षकों से भी मुलाकात की है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है और अब ये मामला तो कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट से जैसा दिशा निर्देश मिलेगा तत्काल उस पर काम किया जाएगा और उसका पालन भी किया जाएगा। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने शाहून गैंग के सक्रिय सदस्य राहुल मेव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि आरोपी पर 25,000 का इनाम था और वो काफी दिनों से फरार चल रहा था। पकड़े गए आरोपी के पास से टीम को एक तमंचा समेत कई अन्य सामान बरामद हुए। खबर अलीगढ़ से है, जहां कौरसी थाने में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने दुकान के बाहर खड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना से गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। वही शव यात्रा में शामिल लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इसके साथ ही शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इस दौरान लोगों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी देखने को मिली है। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस जल्द ही घटना के खुलासे की भी बात कह रही है। कौरसी में देर शाम सुरेंद्र नगर जो मोहल्ला है, इससे श्री मनीष कुमार इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनकी वहां पर एक पान मसाला कोल्ड ड्रिंक परचून आदि की दुकान है, वहीं पर ही इनके पिताजी थे जिनको अज्ञात हमलावरों ने गनशॉट से घायल कर दिया है और उनके पिताजी को अस्पताल ले जाया गया। इस सूचना पर तत्काल मेरे द्वारा एसपी सिटी एवं अन्य टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया। वहाँ पर विभिन्न सीसीटीवी फुटेज आदि खंगाले गए तथा प्राप्त तहरीर अनुसार मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें यह बात प्रकाश में आई कि इन्हीं के एक रिश्तेदार जिनका नाम भावतोष है, वो वहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पर कुछ देर पहले वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर एक बाइक सवार को उनके द्वारा टोका गया था जो वहाँ से हॉर्न बजाते हुए गुजर रहा था और उपरोक्त व्यक्ति द्वारा ही अन्य लोगों को वापस बुलाकर उनको ढूंढते हुए और जब वो नहीं मिले तो इनको घायल कर दिया गया। इस तथ्य पर
जो इनके द्वारा बताए गए हैं एवं अन्य विभिन्न तथ्यों पर वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए विवेचना प्रचलित है। इनके द्वारा बताए गए व्यक्तियों को कुछ को चिन्हित कर लिया गया है जिनके लिए धरपकड़ के लिए टीमें लगी हुई हैं। टीमों को कठोर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं देर रात इनकी जो घायल थे इनकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। इस दुखद घटना पर परिवार के साथ जहां एक ओर संवेदनाएं प्रकट की गई हैं वहीं दूसरी ओर जो इसमें समस्त टीमें लगी हुई हैं उनको कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई और शीघ्र गिरफ्तारी के लिए आदेशित कर दिया गया है। ये मेरी दुकान के सामने इनकी दुकान है सुभाष कन्फेक्शनरी। कहाँ कहाँ पे रहने वाले? सुरेंद्र नगर बर्फखाना रोड। अच्छा, ये था कि ये दुकान पर बैठते हैं, इनके बड़े बेटे हैं वो भी दुकान पर बैठते हैं, उनका थोड़ा सा पैर में दिक्कत है, विकलांग है, तो इनकी जो है ये हेल्प करने के लिए शाम को बैठे थे दुकान पर। तो तीन चार लड़के वहाँ खड़े हुए थे तकरीबन दुकान से 20-30 मीटर दूर, और तीनों के मुँह पर डाटा बंधा हुआ था और तीनों चारों खड़े हुए थे। खड़े होके वो दुकान के पास आए हैं, उन्होंने सामान मांगा था या सामान क्या किया, इतने में तो उन्होंने इन्हें बाहर कर दिया। बहराइच से खबर है जहां जिले के भैंसहा गांव में एक युवक अपने बहन के आपसी विवाद को समझाने के लिए गया था। यहां पर खेत की जुताई कर रहे आरोपी ने ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया जिससे रोटावेटर से युवक का एक पैर कटकर अलग हो गया। वही क्षेत्र के लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल लाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 2023 को थाना रामगांव स्थित भयापुरवा दाखिला निवादा में समय लगभग 4 बजे प्रथम पक्ष के पवन सिंह पुत्र बांके सिंह खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे। तभी द्वितीय पक्ष के बब्बन सिंह पुत्र दलजीत सिंह गुड्डू सिंह आदि के मध्य विवाद हो गया। गुड्डू सिंह का पैर फिसल कर रोटावेटर में फंस गया। परिजनों द्वारा जिन्हें जिला अस्पताल बहराइच ले जाया गया, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। विधिक कार्रवाई प्रचलित। अगली खबर देवरिया से है जहां बेखौफ दबंगों ने किसान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि किसान अपने खेत में कुछ काम करने के लिए गया था तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे दबंगों ने उस पर हमला कर दिया। हमले में किसान की मौके पर ही मौत हो गई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। ये देवरिया जनपद में मदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिंडरा गांव का प्रकरण है जहां एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है चंद्रशेखर, उनका शव अपने ही खेत में आज सुबह बरामद हुआ। प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सर पर जो किसी हथियार से मारी गई चोट से उनकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें पास के ही जोगिया ग्राम के रहने वाले एक परिवार पर पुराने जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर यह घटना किए जाने का आरोप लगाया गया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी पक्ष से 3 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जो जमीनी विवाद में चंद्रशेखर यादव की हत्या की गई है, आज मैं ग्राउंड 0 पे हूँ। यही वो जगह है जहाँ मृतक चंद्रशेखर यादव की पीट पीट कर हत्या की गई है। यही वो बिस्तर है जो रात में वो शायद ओढ़े हुए थे और जगह मैं दिखाना चाहूँगा जहाँ रात में वो सोए थे। यही जो गांव में इसको कहते हैं पुहरा, यही पुहरा है जहाँ चंद्रशेखर यादव लेटे हुए थे। लोग जैसा कि लोग बता रहे हैं कि जो खून के धब्बे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पे आपको, ये खून के धब्बे चारों तरफ फैले हुए हैं जहाँ चंद्रशेखर यादव की हत्या की गई है। यही वो जगह है जिसे पिडेरा गाँव कहते हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा कि यही जो पाइप है, जो पाइप लगाकर वह पानी चला रहे थे अपने खेत में, पानी चला रहे थे, और आज सुबह 5 बजे जैसे ही उनके बेटे श्रीनिवास और उनकी पत्नी पहुंचती है चाय लेकर अपने पति को देने के लिए, तब तक घात लगाए जोगिया निवासी पवन दीपक जयरथ अन्य कई लोग थे जिन्होंने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया और पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। सबसे बड़ा सवाल है कि देवरिया जनपद में जमीनी विवाद आए दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और जमीनी विवाद के चलते कई हत्याएं भी जनपद में हो चुकी हैं और लगातार यह अपराध बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां एसपी संकल्प शर्मा अपराध एवं अपराधियों पर लगातार अंकुश लगा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वह फेल होते भी नजर आ रहे हैं। यह जगह मैं दिखाना चाहूँगा
यही वो खेत है, यहाँ से लेकर काफ़ी दूरी तक जो चंद्रशेखर यादव का खेत है, यही वो खेत माना जा रहा है कि जहाँ वो पानी चला रहे थे, रात में पानी चला रहे थे। सुबह 5 बजे की घटना है जहाँ उनकी बेटे और पत्नी ने उन्हें चाय जैसे देने के लिए यहाँ पहुँचती हैं और 5-6 लोगों ने मिलकर उनके पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर डाली। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हत्याओं का सिलसिला आखिरकार थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, और देवरिया जनपद की यह घटनाएं लगभग 2 महीने में हमको लग रहा है कि 22 से 23 ऐसी हत्याएं हो चुकी हैं, लगातार हत्याओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस पर भी जवाबदेही का सवालिया निशान खड़ा करते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही उनकी हत्या होती है पुलिस यहाँ मौके पर पहुँच जाती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जैसे कि अभी SP संकल्प शर्मा का भी बयान आ गया कि जहाँ 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और विधिक कार्रवाई करने में जुट गई है। सबसे बड़ी बात बता दें कि जहां श्री चंद्रशेखर यादव के बेटे का एक सबसे बड़ा आरोप है, जो पहले यहां के CMO राजेश झा थे, वहां पर एक जो किसी का नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, एक नाम बता रहा था कि जो मेंटल का 80% सर्टिफिकेट बनवाया था, वो 3 बार उसके लिए जांच बैठाया था, लेकिन वो व्यक्ति वहां नहीं पहुंचता था, वह जांच वहीं की वहीं रह जाती थी, धरातल पर ही पड़ी रह जाती थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता था। और उसका आरोप यह भी है कि मैं यहाँ मदनपुर थाने में लगभग कई बार शिकायत कर चुका था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने एक नहीं सुनी, और पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई करती होती तो शायद आज किसी की पत्नी विधवा होने से बच जाती और किसी का बेटा अनाथ होने से बच जाता। यही वह जगह है जहां चंद्रशेखर यादव की हत्या की गई थी और यही वह क्या कहते हैं पाइपलाइन है जो बिछाया गया था पानी चलाने के लिए। गांव के अक्सर लोग खेत में ही सोते हैं और खेत में ही अपना क्या कहते हैं पानी चलाते हैं, खेत में कई प्रकार के काम होते हैं जो गांव के लोग रात में ही करते हैं, और जैसे चंद्रशेखर यादव की पत्नी बेटा यहां पहुंचते हैं, यहां हमलावार पहले से हमला कर देते हैं और मृतक चंद्रशेखर यादव की हत्या हो जाती है। मैं Prime TV से रवि रावत देवरिया। अब गाजियाबाद से खबर है जहां थाना विजयनगर में दिन दहाड़े महिला से 2 युवकों ने टप्पेबाजी की है। बताया जा रहा है कि युवकों ने महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके कानों के कुंडल लूट लिए। वही कॉलोनी में कई CCTV कैमरे लगे हैं लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इन घटना के बाद से प्रशासन पर भी अब सवाल या निशान खड़े होने लगे हैं। जाने के बाद में 2 जने आए, आने के बाद में पता क्या हुआ, क्या डर की वजह से उन्होंने तमंचे को उस पर इनके कान के कुंडल लेके निकाल गए। निकालने के बाद में इन्हें पता नहीं लगा कौन था कौन नहीं, भद्र अल्लाह बचाया। अल्लाह बचाने के बाद में किसी ने नहीं सुनी उसकी। सुनने के बाद में हमने फिर कैमरे चेक करवाए, कैमरे सारे बंद मिले वहाँ पे। 2 साल से भी गार्ड से पूछा, गार्ड ने भी कहा कि सर 2 साल से कैमरे बंद है यहाँ पे, यहाँ कोई कैमरे चालू नहीं है। हाँ, पुलिस के पास गए, उन्होंने रिपोर्ट लिखी, लिखवाने के बाद में हम थाने में आ गए। भैया हम पत्ते लेने को आए थे, हमारे साथ कहने लगा बहन जी, हाँ इसे कहना चाची यार, हमें कहने लगा बहन जी। मैं कहा भैया क्या काम है? भैया कुछ काम नहीं है। मैं कहा आप कुंडल किस चीज के हैं? भैया पीतल के हैं। ये तो उन्होंने एकदम रुमाल निकाल के इसके ऊपर मुंह पे गिर दिया, इससे थोड़ी सी बेहोशी सी होने लगी, नशा सा हो गया इससे। तो मैं कहने लगी चाची चाची तेरे कुंडल कहाँ है? मैं भागी फिर, एकदम भाग के मैं पीछे भागी, मोहल्ले दुकान वाले खड़े थे, भैया एक मिनट भाग के पीछे जाओ इनके। और उन दुकान वाले कह रहे भैया हमारे पास कैमरे खराब हो रहे हैं, हम कैसे भक्के जाएंगे? भैया आप भक्के देख लो, कभी दुकान में लुक रहा हो। लेके गए हमारी चाची कुंडल ले गए अब्दुल हमीद कॉलोनी डबल टंकी के पास। तो क्या हुआ है आज आपके साथ? मैं पत्ते लेने जा रही थी बकरी के लिए, तो रास्ते में जा रही थी, दो जने पीछे से रुमाल ले गए सुंगा के और मेरे कुंडल काट लिए। अब खबर हरदोई से है जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। इस दौरान महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग चोटिल हो गए हैं। दरअसल गांव में सरकारी जमीन पर कब्जेदारी को लेकर दोनों पक्षों के बीच एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। आज खासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें महिलाएं और बच्चे समेत कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। यह पालित मैं दुर्गेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी जनपद हरदोई, थाना क्षेत्र पाली के अंतर्गत गांव रमापुर भरखनी है। यहां पे 2 पक्षों में जमीन का विवाद चला रहा था,
इनमें 116 की कार्रवाई भी की गई थी, किंतु आज दोनों पक्ष आपस में मारपीट लड़ाई झगड़ा किए, जिसमें एक पक्ष द्वारा तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब कौशाम्बी से खबर है, जहां संविधान दिवस पर अराजक तस्वीर निकलकर सामने आई है। यहां कुछ अराजक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को ही तोड़ दिया, और जैसे ही ये जानकारी स्थानीय लोगों को हुई, वैसे ही वहां हंगामा खड़ा हो गया। आनन फानन में मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की तलाश कर रही है। कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा रात्रि में भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसके संबंध में समुचित धाराओं में थाना सरायकेला पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उन लोगों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरे माध्यमों से उनकी तलाश की जा रही है और क्षतिग्रस्त मूर्ति को व्यवस्थित सही करा दिया गया है, नियमानुसार विधिक कार्रवाई कराई गई। मऊ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पठान टोला इलाके में देर रात में एक कलियुगी बेटे ने आपसी पारिवारिक विवाद में अपनी मां समेत 3 लोगों को जमकर पीट दिया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।